हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है नए वीडियो में। आज मैं आपको चीज़ कटलेट फुल ऑफ चीज़, नया कटलेट एक नए रूप में, नया टोटली यूनिक एक नए तरीके का कटलेट बनाना सिखाऊंगी। और ये बहुत ही इजी है बनाने के लिए। इसमें दोनों तरफ के चीज़ डाले हैं मैंने, अमूल चीज़ और मोज़रेला चीज़। देखिए, मैं इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये मेरे बनाने के बाद का पिक्चर है, आप इसे देखिए। और मैं इसे कैसे बनाना है वो तरीका बताऊंगी। आप लीजिए ब्रेड स्लाइस, उसको चारों तरफ से काट लीजिए और उसके जो कटिंग है उसे वेस्ट मत कीजिए, उसके ब्रेड क्रम्स बना लीजिए मिक्सी में पीस के। और उसके बाद आप इससे पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो एक ही लीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने इसमें डालना है मैक्सिमम चीज़। देखिए, चीज़ इसमें डालना है अमूल चीज़ और मोज़रेला चीज़ की मैक्सिमम क्वांटिटी होनी चाहिए। और धनिया है पत्ती और चिली फ्लेक्स हैं, और मैंने काली मिर्च को दरदरा पीस के डाला है, और सॉल्ट, बस इतना ही लगना है इसमें। और आप चाहें तो इसमें, जैसे मैंने डाला है चॉप करके गार्लिक, वैसे इससे थोड़ा स्वाद अच्छा आता है। ये सब मैंने मिला के मैश करके इसकी स्टफिंग बना ली। और उसके बाद इसे ब्रेड को मैंने मिल्क लिया, मिल्क में डिप करने के बाद इसको अच्छे से दबा के, ताकि सारा मिल्क निकल जाए और ये इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहे। और अंदर स्टफ करके देखिए, मैंने फिर इसे फ्राई किया है। ऑलिव ऑयल लिया है, आप जो आपकी इच्छा है आप यूज़ कर सकते हो। हल्का सा गोल्डन ब्राउन आगे पीछे दोनों तरफ से हो जाए, जिस तरह ये हो गया है, ये ऐसे कर लीजिए और ये बन गया। ये बहुत ही इजी है बनाने के लिए और सबको बहुत पसंद आएगा। आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए और उसके बाद प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको। ये बहुत ही इजी बनाना है, इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता बनाने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं है, सिर्फ स्टफिंग में दोनों तरह का चीज़ है। मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ बहुत ज़्यादा डाला है, ताकि ये इतना टेस्टी बनता है जैसे कि पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आफ्टर, मतलब जब ये बन जाए, आप इसे देखिए, जब मैं तोड़ रही हूँ इसे बीच से, देखिए एकदम पिज़्ज़ा से बेस्ट बना है। पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे आप इसको बनाने के बाद, खाने के बाद। तो ट्राई कीजिए और उसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कैसा लगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।